गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो आपका सिल्कवर्म इंसेक्ट है उसके बारे में पढ़ा था। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था हनी बी के बारे में, है ना। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर तीन मेजर जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट थे, उसमें से हनी बी हमने पढ़ लिया था, सिल्कवर्म हमने पढ़ लिया था। आज जो लास्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेक इंसेक्ट, ठीक है। लेक इंसेक्ट या इसको बोलते हैं लक्स कीट या फिर जिसको बोलते हैं लाख कीट, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको इसका बता दूं, आपने घरों में देखा होगा लाख की चूड़ियां जो पहनती हैं महिलाएं वगैरह, तो वो किसकी बनी होती है, वो इसी इंसेक्ट का एक क्या होता है प्रोडक्ट होता है जिसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्या करता है, ये इंसेक्ट लाख को प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लाख का कीट कहा जाता है। जैसे सिल्कवर्म में क्या होता है कि वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है इसलिए उसको सिल्कवर्म कहते हैं, ऐसे ही हनी बी के अंदर क्या है, वो हनी का प्रोड्यूस करती है इसलिए उसको हनी बी कहते हैं। तो सेम है। तो सबसे देखिए, सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है कैरिया लेका या फिर इसको लेसिफर लेका भी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर है तो आपने, हमने जब पिछले सेमेस्टर में बात की थी इसके बारे में हेमिप्टेरा ऑर्डर की जब बात की थी, तो उसमें हमने कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ी थी। वो कॉमन चीज़ें क्या थी, एक तो सबसे पहली चीज़ तो कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया कि तीन स्टेज ही होती है लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अब वो तीन स्टेज कौन कौन सी होती है, एक तो एग, ठीक है, एक तो एग होती है, एक होती है निम्फ और फिर एडल्ट सीधा, है ना। और एक कॉमन मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मोस्टली जितने भी हेमिप्टेरा के ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट या पेस्ट हैं उनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, तो ये भी इसी का एक रोल है। तो देखिए, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब हेमिप्टेरा जो ऑर्डर होता है इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, दो सब ऑर्डर्स में बांटा जाता है, एक तो होता है होमोप्टेरा, एक होता है हेट्रोप्टेरा। तो हेमिप्टेरा जो होमोप्टेरा ऑर्डर होता है, होमोप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो विंग्स हैं, इसकी विंग्स जो है वो इक्वल्स होती है। इक्वल कहने का मतलब क्या होती है, विंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कैसी विंग होती है, ट्रांसपेरेंट विंग्स होती है। तो ये जो है इसमें भी सेम है, ये किस प्रकार का होता है, होमोप्टेरा सब ऑर्डर का है, यानी कि विंग्स जो है वो कैसी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, ठीक है। इसका अलग जो दूसरा सब ऑर्डर है वो है हेट्रोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, विंग्स जो है उसका हाफ पोर्शन जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, और हाफ पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। अब इसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी होती है लेसिफेरिडी या लेकिफेरिडी भी बोल देते हैं इसको। अब देखिए, होस्ट प्लांट या बात करते हैं पोषक पौधे, वैसे तो इनके अलावा जो मैंने लिखे हैं इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या है मेजर जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, प्लास का जो प्लांट होता है प्लास, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मी या फिर फ्रंडोसा, बेर जो जिजिफिस मोरिशियना या जिजिफिस जुजुबा जो होता है बेर का प्लांट सबने देखा होगा, कुसुम, अरहर, पीपल, बबूल, ये सारे क्या है पेड़ जो है इनके ऊपर इसकी क्या की जाती है, रेयरिंग की जाती है, इसको आसानी से पाल सकते हैं, या कहने का मतलब ये क्या होते हैं, इसके होस्ट होते हैं, इसके पोषक पौधे होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की या फिर आर्थिक महत्व की, कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, आर्थिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि विश्व का, वर्ल्ड में जितनी भी लेक प्रोड्यूस होती है उसका 80% कहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है, भारत के अंदर होता है। तो वर्ल्ड का 80% लेक प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है, जिसका अधिकांश भाग निर्यात किया, यानी कि अपने इंडिजिनस अगर बात करें तो इसका यूज कम होता है, ज़्यादातर जो है वो क्या किया जाता है, इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार की कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप कौन सी होती है, जिनको हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत बाद क्या है हमें बेचनी पड़ती है, या फिर उसका कोई प्रोडक्ट वगैरह तैयार किया जाता है, नहीं तो ये क्या है थोड़े समय बाद ख़राब होने लगती है। अब देखिए, आजकल इसका सर्वाधिक उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में। अब ये ग्रामोफोन क्या होता है, ग्रामोफोन आपने देखा होगा पुराने समय जब होता था उसमें क्या है, एक टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें क्या होता है, एक कैसेट लगी रहती थी, उसके ऊपर क्या है, एक आपने देखा होगा इस प्रकार से ना, इस प्रकार से मान लीजिए कुछ रहता है, यहाँ पर कैसेट लगी रहती थी, उसके ऊपर इस प्रकार से
इसको लगाया जाता था, तो ये कैसेट घूमती रहती थी और इसमें म्यूजिक चलता था। तो वो जो है उसको बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा देखिए विद्युत का कुचालक, क्योंकि ये क्या होता है बैड कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है, यानी कि हम क्या है इसके कहने का मतलब इसको विद्युत का जो है ये सुचालक नहीं होता, इससे आर पार जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती लाइट जो है, इस वजह से इसको क्या है इंसुलेटर के रूप में बिजली के सामानों में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप इसके थ्रू इसकी जो स्टिक होती है उसको यूज लेके आप कहीं भी जो है बिजली वगैरह का अगर काम कर रहे हो तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए लाख से पॉलिश वॉर्निश चूड़ियाँ, ये जो अभी मैंने आपको बताया था लाख की चूड़ियाँ देखी होगी सबने। इसके अलावा अदर जो है श्रृंगार के सामान भी बनाए जाते हैं, तो ये सारे क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसी लाख से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पहले जो क्या है रोल एक होती है उसको फिर बाद में क्या है प्योर किया जाता है, और धीरे धीरे उसको प्योर करने के बाद उसको हम क्या है गर्म करके और उसको जैसा हम चाहे वैसी शेप दे के कुछ भी बना सकते हैं। एक चीज़ और आपने देखी हुई, सील बंद करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट या फिर कहीं भी किसी भी संस्था में आपने देखा होगा जब पैकिंग की जाती है पार्सल की, तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है एक रेड कलर की स्टिक होती है जिसको जला के उसके ऊपर डाला जाता है, और फिर उसके ऊपर कोई सील वगैरह जो होती है उस संस्था की लगाई जाती है सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो वो किसकी बनी होती है, वो लाख की बनी होती है, वो स्टिक जो होती है लकड़ी वो लैक की होती है, लाख की होती है जिसको जला के उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें भी यानी कि सील बंद करने के लिए भी उपयोग होता है। लाख के आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था भाई, सर्वप्रथम 1921 में क्या है एक अनुसंधान संस्थान बनाया था, लाख अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 1925 में बिहार में कहाँ पे रांची में क्या है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था। अब अगर बात करें तो ये कब की बात है, 1925 की, रांची जब बिहार में था। अभी रांची कहाँ आता है, झारखंड के अंदर। अभी रांची कहाँ है, झारखंड के अंदर। तो अभी प्रेजेंटली ये कहाँ पे बना हुआ है, ये झारखंड के अंदर बना हुआ है। सन 1930 में इंडियन लेक कमेटी, ये कमेटी बनी थी 1930 के अंदर इंडियन लेक कमेटी, जो लाख उत्पाद अनुसंधान के अतिरिक्त, यानी कि एक तो अनुसंधान हो गया इसका रिसर्च वगैरह, इसके अलावा जो इसकी जो है क्रय विक्रय किया जाता है, इसको खरीदा जाता है या बेचा जाता है, उसको भी क्या करती है ये कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ इसके ये कुछ कानून भी बनाती है जो कि एक्सपोर्ट को जो है कंट्रोल करती है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं लाख की, कि लेख जो होती है लाख होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये इस इंसेक्ट के द्वारा इसकी जो फीमेल है स्पेशली फीमेल के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ ग्लैंड्स होती है जिनके द्वारा क्या है एक लिक्विड को क्या है प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, जो कि सूख के क्या कर रहता है लाख का रूप ले लेता है, यही क्या है लाख है। देखिए यह लक्ष्य कीट यानी कि क्या है लाख का कीट जो है कि लक्ष्य ग्रंथियों लेक ग्लैंड्स होती है कि से लिक्विड के रूप में निकलता है ना, लिक्विड के रूप में निकलता है जो कि क्या है एयर के टच में जब आता है हवा से तो ये क्या है सूख कर सख्त तथा ठोस यानी कि सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यह एक रेजिनस मैटर होता है। ठीक है, रेजिन लाइक होता है। वास्तु में अब ये देखिए ये तो है कि लाख होता क्या है, सही मायने में देखा जाए तो ये लाख किस लिए बनाती है, ये जो फीमेल होती है वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाती है, अपनी बॉडी के चारों तरफ इसका आवरण बना लेती है सुरक्षा के लिए। लेकिन हमें क्या है कि आपको पता ही है मानव को तो क्या अपना फ़ायदा दिखना चाहिए, तो जहाँ भी फ़ायदा हो वहाँ से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपने यूज के लिए इसको उपयोग करने लगे। तो देखिए वास्तव में मादा कीट लाख को अपने शरीर के चारों ओर, ठीक है, अपनी बॉडी के चारों ओर सुरक्षा के लिए बनाती है। लक्ष्य ग्रंथियां शरीर की ऊपरी सतह पर अनेक छिद्रों द्वारा खुलती है, यानी कि ये जो लेग ग्लैंड्स होती है ये क्या है बॉडी के ऊपर जो है बहुत सारे जो क्या छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती है जिनसे क्या है लेग का सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, इनके अतिरिक्त तीन मोम ग्रंथियां, ये तो होगी लेग ग्लैंड। इसके अलावा क्या होता है लाख का जो कीट होती है उसके अंदर थ्री क्या होती है वैक्स ग्लैंड, मोम ग्रंथियां या वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, एक तो माउथ पे मुख होता है जहाँ पे, एक मेजोथोरेसिक स्पाइरिकल्स यानी कि थोरेक्स कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है ना,
कि कौन कौन से में, वक्ष जिसको बोलते हैं, तो मध्य वक्ष जो होता है मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो मीजोथोरेक्स जो होता है बीच वाला पार्ट, उस पर दो स्पाइरिकल्स होते हैं, वो एक माउथ हो गया एंड एनल एरिया जो एक्सक्रीटरी के काम आता है, एक्सक्रीशन के, वहाँ पे ये जगह छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है वैक्स ग्लैंड होती है, बाकी पूरी बॉडी पे क्या होता है लेग ग्लैंड पाई जाती है। अब इन जगह पे क्या होता है वैक्स ग्लैंड होता है, और इस वैक्स ग्लैंड की वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे लेग जमा नहीं हो पाती, यानी कि माउथ पे स्पाइरिकल्स पे जहाँ से वो श्वसन करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है लेग जमा नहीं हो पाती। अगर यहाँ पर भी लेग जमा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी या तो डायरेक्ट डेथ हो जाती, या फिर क्या है ये जो पेड़ है उसकी टहनी से चिपके रह जाते हैं ना, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे ये मॉडिफाइड होती है, यहाँ पे वैक्स ग्लैंड पाई जाती है ताकि यहाँ पे जो है जमा ना हो पाए लेग। इन ग्रंथियों से वैक्स निकलता है जो लाख जमा नहीं होने देता, है ना, लाख को जमा नहीं होने देता। यदि ऐसा न हो तो क्या है ग्रंथियों द्वारा निकला हुआ लाख मादा के शरीर में जमा हो जाएगा, ठीक है, जमा हो जाएगा और वह पेड़ की टहनी पर चिपक कर ही मर जाएंगे। ये अभी मैंने आपको बताया है ना कि ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता, वो किल हो जाते। लाख कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित घटक होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे जो है कुछ प्रोडक्ट जो है कंटेंट्स मिलके बना होता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो रेजिन सबसे ज़्यादा होता है 68%, ठीक है, इसके बाद कलर पिगमेंट 10%, वैक्स होता है 6%, गम यानी कि ग्लू या गोंद जिसको बोलते हैं ये होता है 5.5%, शुगर होती है 4%, अदर्स मटेरियल जो होता है 6.5% के आसपास, ठीक है, वैक्स यानी कि मोम। तो ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती है किसके अंदर, ये जो लेक होती है उसके अंदर। अगर बात करें किसका जो है कंपाउंड क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। फिर देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लेक इंसेक्ट, लाक कीट की पहचान हम कैसे करेंगे और प्लस इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी, यानी कि जीवन इतिहास कैसा होता है, कौन कौन सी स्टेज पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडल्ट की बात करेंगे, प्रोड की, उसके बाद फिर एग की, फिर निम्फ की, है ना। तो देखिए प्रोड जो होता है ये क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाग कीट के नर तथा मादा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मादा आकार में नर से क्या होती है लगभग 3 गुना बड़ी होती है। अलग अलग कैसे होते हैं, अलग अलग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे मेल के अंदर विंग्स हो सकता है पाए जाए, फीमेल के अंदर नहीं होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे मेल की, नर की, तो देखिए इसका रंग गुलाबी लाल यानी कि पिंक रेड कलर होता है, ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, या तो होंगे पंखधारी या पंखहीन। पंखधारी का मतलब क्या होता है विंग्ड, जिनके पंख पाए जाते हैं, और विंगलेस या पंखहीन का मतलब क्या होता है इनके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मादा में होते ही नहीं है विंग्स, ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पंखधारी नर कीटों में केवल अगली जोड़ी, यानी कि वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो इंसेक्ट में कितने पैर होते हैं विंग्स के, 2 पैर होते हैं ना, इसमें क्या होता है सिर्फ 1 होते हैं, ठीक है, कीटों में केवल अगली जोड़ी झिल्लीदार तथा पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पंख होते हैं। इनका जीवन काल 3 to 4 days यानी कि 3 से 4 दिन तक का ही क्या होता है इनका जीवन काल होता है। इसी बीच में बिना कुछ खाए पिए, ये क्या है बिना कुछ खाए पिए, इनका काम क्या होता है सिर्फ जो है वंश बढ़ाने का होता है, जिसके पश्चात ये क्या है मर जाते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है सिर बड़ा, जो इनका हेड होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, स्पष्ट मुखांक क्लियर देख सकते हैं हम इसके माउथ पार्ट्स जो होते हैं, तथा अक्रियाशील होते हैं यानी कि ये क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं, होते तो हैं लेकिन ये कहने का मतलब क्या है कुछ भी फीड नहीं कर सकते, इनएक्टिव होते हैं। उपनेत्र 2 जोड़ी होते हैं, तथा एंटीना शरीर के बराबर, जो जितनी बॉडी लेंथ होती है उसी तक की लगभग क्या होता है एंटीना होती है, एंटीनी होती है, जो कि क्या होती है 7 segmented या 7-7 खंडीय होती है, जिन पर रोम लगे होते हैं यानी कि हेयर्स पाए जाते हैं, एंटीना के ऊपर क्या होंगे हेयर्स दिखाई देंगे। अब देखिए फिर बात आती है वक्स की, थोरेक्स की,
तो थोरेक्स क्या होता है? मोटा। थोरेक्स, थोरेक्स क्या है? मोटा, जिस पे एक जोड़ी, अभी बात की थी ना हमने, सिर्फ एक जोड़ी। नॉर्मली क्या होता है, जो मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होता है, इंसेक्ट तीन पार्ट्स में बना होता है ना, हेड, थोरेक्स और ये एब्डोमेन, है ना। तो हेड वाला जो पोर्शन है उसके बाद आता है थोरेक्स। थोरेक्स में क्या है, ये तीन भागों में बैठा होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। नॉर्मली क्या होता है इंसेक्ट के अंदर, मीजो और मेटाथोरेक्स पे क्या पाए जाते हैं, एक एक जोड़ी विंग्स पाई जाती है, दो जोड़ी, और प्रो, मीजो और मेटा तीनों थोरेक्स पे क्या होता है, एक एक पेयर क्या होते हैं, लेग्स के होते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक जो ये मीजोथोरेक्स होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, एक जोड़ी जो है पंख पाए जाते हैं, तथा तीन जोड़ी टांगे होती है, लेग्स पूरी होती है। फिर देखिए टार्साई तीन खंडीय, थ्री सेगमेंटेड टार्साई। टार्साई क्या होता है, लेग्स के पार्ट हमने पढ़े होंगे, है ना, लेग के पार्ट पढ़े, कोक्सा, फीमर, टीबिया, टार्सस। तो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है टार्सस, वो कितने पार्ट्स में, भागों में बटा होता है, तीन खंडीय होता है, तीन भागों में बटा होता है। फिर देखिए उधर या एब्डोमन की बात करें, वो क्या होता है, एट सेगमेंटेड, आठ खंडीय होता है, आगे की ओर चौड़ा, आगे से तो क्या है चौड़ाई ज़्यादा होती है, और पीछे से क्या होता है वो नुकीला होता है। तो ये सारे क्या है, इसकी पहचान है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, फीमेल है या फिर मेल है। फिर देखिए नेक्स्ट, फीमेल मादा की अगर बात करें, तो कलर इसका भी क्या होता है, पिंक होता है, गुलाबी रंग होता है, लगभग 1.5 mm लंबी होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो वेंट्रल सरफेस, अब मैंने तीन चीज़ बताई थी आपको, एक होता है डोर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड, और एक होती है लेटरल साइड। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली साइड क्या होगी इसकी, डोर्सल साइड, और ये क्या होगी, वेंट्रल साइड, और ये जो आसपास वाली होती है, एक इस साइड वाली, यानी कि ये जो है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो लेटरल दोनों बराबर में जो होती है, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल, ये लेटरल साइड होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेंट्रल सरफेस चपटा, यानी कि फ्लैट, वेंट्रल सरफेस तो क्या होती है, फ्लैट। डोर्सल सरफेस जो होती है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि डोर्सल वाला होता है जो, ये क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो ये इसकी पहचान है फीमेल की। अब देखिए इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके आईज, लेग्स, विंग्स, यानी कि आँख, टांग, पंख कुछ नहीं होते। फीमेल जो होती है उसके ना तो आँखें पाई जाती है, ना ही उसके लेग्स पाई जाती है, और ना ही उसके विंग्स पाई जाती है। यानी कि ये क्या करते हैं, टहनी के ऊपर एक जगह पड़े पड़े क्या करते हैं, उसको जो उसका जूसी कंटेंट है उसको सक करते रहते हैं, और लेग को प्रोड्यूस करते रहते हैं, लाख जो होती है उसको स्रावित करते रहते हैं। एंटनी वेस्टिजियल, यानी कि आवासी होती है, ठीक है, एंटनी छोटी, प्राय तीन से चार खंडीय होती है। माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग, इसमें अब देखिए उसमें माउथ पार्ट होते हैं, लेकिन मेल में क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते। इसमें क्रियाशील होते हैं, और कैसे होते हैं, चुभाने और चूसने वाले, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जो कि मोस्टली हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर यही होते हैं। फिर देखिए, तथा रोस्ट्रम द्विखंडीय होती है। रोस्ट्रम क्या होती है, आगे की तरफ जो एक सूंड पाई जाती है, जिसकी सहायता से क्या है, ये प्लांट के अंदर उसको पियर्स करके और शक करते हैं जूस को, उसको क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम। तो ये क्या होती है, द्विखंडीय या टू सेगमेंटेड होती है, ठीक है। फिर देखिए, मादा एक ही स्थान पर चिपकी रहकर पेड़ की शाखाओं से रस चूसती है, तथा लाख उत्पन्न करती रहती है। ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि देखिए लेग्स नहीं है, आईज नहीं है, विंग्स नहीं है, तो मूवमेंट तो हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या है, एक ही जगह पड़ी पड़ी ये क्या करती है कि प्लांट से जूस को सक करती रहती है, और वहाँ पे क्या करती है, लेग का प्रोड्यूस करती रहती है। फिर देखिए एब्डोमेन की बात करें, तो एब्डोमेन उधर जो है गोलाकार, तथा इसके पृष्ठ सतह पर डोर्सल स्पाइंस पाई जाती है, यानी कि एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन जो होता है उसके ऊपरी सतह जो होती है वहाँ पे क्या है, स्पाइंस पाई जाती है, ठीक है, एब्डोमिनल डोर्सल स्पाइंस पाई जाती है। फिर देखिए लाइफ हिस्ट्री की बात करें, जीवन इतिहास की, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेमिप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है।
तो क्या होगा, लाइफ के अंदर कितनी स्टेज होगी? सिर्फ तीन अवस्था ही पाई जाती है। कौन कौन सी? एग या अंडा, निम्फ या शिशु, और एडल्ट या फिर प्रौढ़। तो हमने प्रौढ़ की बात कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं निम्फ के बारे में, सॉरी एग के बारे में, है ना। प्रौढ़ है, प्रौढ़ के बाद कौन सी स्टेज आएगी? एग, फिर निम्फ और फिर एडल्ट। एडल्ट में हमने दोनों देख लिया, मेल्स के क्या क्या करेक्टर होते हैं, फीमेल्स के क्या क्या होते हैं। अब देखिए एग स्टेज, तो एग स्टेज में क्या देखिए, मादा कीट लक्स कक्षी लैक सेल्स, जैसे हमने पढ़ा ना उसके अंदर हनी बी के अंदर पढ़ा ना हमने कि हनी बी क्या करती है, जो सेल्स बनाई जाती है, हनी सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स जो होती थी इस टाइप की, इन सेल्स के अंदर रह के क्या करती है, वो एग लेइंग करती है। सेम इसमें होता है, इसमें भी क्या है, सेल्स बनी होती है जिनको क्या बोलते हैं, लैक सेल्स या फिर लक्स कक्ष बोलते हैं। इसके अंदर 200 से लेके लगभग 500 तक जो है एग लेइंग की जाती है। अब ये एग्स जो होते हैं ना, ये देखिए दोनों टाइप के हो सकते हैं। दोनों टाइप के कैसे, या तो वो फर्टिलाइज होंगे या फिर अनफर्टिलाइज, यानी कि फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों हो सकते हैं, निषेचित भी हो सकते हैं और अनिषेचित भी हो सकते हैं। और दोनों ही प्रकार के एग से क्या निकलेंगे, नर या मादा दोनों प्रकार के कीट निकल सकते हैं। अब देखिए अंडे निषेचित या अनिषेचित, फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड, दोनों प्रकार के दिए जाते हैं। दोनों प्रकार के अंडों से क्या है, नर एवं मादा कीट निकलते हैं। फिर देखिए प्रत्येक अंडा, अब एग की बात करें तो एग में देखिए 0.4 mm जो है, साइज की बात करें तो 0.4 mm के आसपास लगभग लेंथ होती है और 0.2 mm क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। तथा कलर इसका कैसा होता है, पिंक कलर होता है, गुलाबी रंग। सारी स्टेज इसकी लगभग पिंक कलर की होती है या फिर थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे डार्कनेस आने लग जाता है, ठीक है। गुलाबी रंग का होता है, जो बाद में क्या हो जाता है, भूरे रंग का, बाद में क्या हो जाता है, ये ब्राउन, जब हैचिंग होती है उससे पहले ये कैसा हो जाता है, ब्राउन, ब्राउन रंग में बदल जाता है। मादा कीट प्राय पूर्ण विकसित अंडे देती है, यानी कि एग्स जो इनके द्वारा दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, फुली डेवलप्ड एग्स होते हैं। फुली डेवलप्ड एग्स का मतलब क्या है, यानी कि इनसे तुरंत बाद क्या होंगे, जब एग लेइंग की जाती है उससे बहुत थोड़े समय बाद ही क्या है, इनसे हैचिंग होके निम्फ बाहर आ जाते हैं, जिनसे कुछ समय पश्चात शिशु निकलते हैं, ठीक है, निम्फ बाहर आते हैं। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक इनको क्या बोलते हैं, वीवीपेरस। वीवीपेरस कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट क्या करते हैं शिशुओं को, निम्फ को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीवीपेरस, जैसे एफिड में होता है, एमिप्टेरा में। तो कुछ वैज्ञानिक क्या है, इनको भी वीवीपेरस मानते हैं। फिर देखिए निम्फ जो स्टेज है, अंडे फूटने के बाद यानी कि हैचिंग होने के बाद उससे 0.6 mm लेंथ और 0.25 mm चौड़ा क्या होता है, गुलाबी रंग का, पिंक कलर का क्या निकलता है, निम्फ निकलता है या फिर शिशु निकलता है, जिसके, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, यहीं से क्या होता है, इसी स्टेज में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, हैचिंग जब होगी तब क्या होता है, दोनों में ही एक जैसे होते हैं, आप नहीं पहचान कर सकते कि कौन सा मेल बनेगा और कौन सा फीमेल। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर मोल्टिंग होती है फिर बाद में क्या है, डिफ्रेंशिएशन होने लगता है और हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। तो देखिए स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है, इसके एक जोड़ी एंटीनी होती है, वन पेयर एंटीनी, थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड टू पेयर ऑफ आईज, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए क्या, अंडों से निकलने के पश्चात ये बहुत क्रियाशील होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, मुलायम ब्रांचेज जो होती है, यानी कि कोमल टहनियाँ जो होती है, शाखाएँ जो होती हैं, उनको खोज के उस पर चिपक कर रस चूसना और शरीर के चारों ओर लेक बनाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग की बात हो रही है, जब हैचिंग हो तो क्या, हैचिंग होने के बाद बहुत एक्टिव होते हैं तो ये क्या, तुरंत ही आसपास की टहनियों पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे जाके वहाँ से जो है सेप को सक करने लगते हैं और क्या है, लेक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखिए क्या होता है, यह कीट केवल चार स्थानों, अब देखिए चार स्थानों, मुख, गुदा जो यानी कि माउथ वाला जो पार्ट होता है, एनल एरिया जो होता है, इसके अलावा दो श्वसन छिद्र जो मैंने आपको बताया था, जो मिजो थोरेक्स के ऊपर पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, मध्य वक्ष के ऊपर दो श्वसन छिद्रों को छोड़कर पूरा का पूरा शरीर जो है उसको क्या कर लेता है, ये ढक लेता है, किससे, लैग से, लैग का सिक्रेशन होता है। और यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है, मोम ग्रंथियाँ। तथा अब देखिए ढक लेता है, शिशु
प्रौढ़ से पूर्व, यानी कि जब एडल्ट बनता है उससे पूर्व क्या है, तीन बार निर्मोह करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, तीन मोल्टिंग पाई जाती है। तीन बार मोल्टिंग होगी, पहले एग से क्या निकलेगा, फर्स्ट इंस्टार का लार्वा, फिर फर्स्ट मोल्टिंग होगी उससे सेकेंड इंस्टार का निकलेगा, इस प्रकार तीन मोल्टिंग होती है और फोर्थ इंस्टार तक के लार्वा इसमें पाए जाते हैं। प्रथम निर्मोह के पश्चात आप देखिए, फर्स्ट जब मोल्टिंग होगी उसके बाद आँखें टांगे तथा एंटीनी नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो मोल्टिंग होगी उसके बाद क्या है, इसकी जो आईज होती है, लेग्स होती है और एंटीनाज होती है, ये सारी क्या है, जब स्किन अलग होती है, निर्वचन में क्या होता है, मोल्टिंग में इंसेक्ट अपनी पुरानी क्यूटिकल को हटा के उसकी जगह नई क्यूटिकल का निर्माण होता है, तो उस क्यूटिकल के साथ ही ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरे निर्मोह के बाद नर और मादा शिशुओं को पहचाना जा सकता है, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट तक तो सेम है, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, मेल्स की जो ये होते हैं ना आंखें, एंटनी और टांगे, ये वापस बन जाती है, समझ रहे हो बात को, यानी कि फर्स्ट बोल्टिंग के बाद तो जड़ जाएगी, उसके बाद जो फीमेल्स बनेंगी उसमें तो एज इट इज रहेगी, और अगर मेल्स है तो वो सेकंड इंस्टार के बाद क्या है, सेकंड जो मोल्टिंग होती है उसके बाद वापस से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मुखांग विलुप्त हो जाते हैं। आप देखिए, क्योंकि मेल है तो उसमें क्या होता है, माउथ पार्ट्स तो वैसे ही इनएक्टिव होते हैं, तो ये क्या है, विलुप्त हो जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर क्या रहते हैं, माउथ पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। नर व मादा कीटों को उनके लक्ष्य कक्ष के बनावट के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, यानी कि जो सेल्स होती है, जिन सेल्स के अंदर ये रहते हैं उनके बनावट के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि देखा होगा हमने हनी बी के अंदर देखा था ना, जो हनी की बात करें, अगर सेल्स होती है हेक्सागोनल टाइप की, तो अगर क्वीन की बात करें तो सबसे बड़ी सेल्स होती है, कुछ होती है वर्कर्स की फ्लैट होती है ना, ड्रोन्स होती है उनकी थोड़ी सी क्या होती है, कॉन्वेक्स टाइप की होती है, तो उसी प्रकार इनको भी पहचाना जा सकता है। नर कक्ष लंबे तथा सिगार शेप होते हैं, मेल्स के, मेल्स की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होगी थोड़ी सी और सिगार शेप की, तथा फीमेल्स की होगी वो क्या है, गोल व अंडाकार होती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखाई देखने में कैसे दिखाई देते हैं, तो एक एक करके इसके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये क्या है, एक टहनी है कोई भी, ठीक है, टहनी है, इसके ऊपर क्या है, फीमेल्स, ये सारे क्या है, फीमेल्स और मेल्स जो है जो फीड करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एग लेइंग होगी, ये क्या है, एग है, ये फीमेल है, एग लेइंग होगी, ये एग हो गया, ठीक है, एग हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जब हैचिंग होने वाली होती है, हैचिंग जब जिस टाइम होती है वहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको येलो येलो के दो स्पॉट्स दिखाई देंगे, ये स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, फीमेल जो है वो श्रिंक होने लगती है, इसका मतलब क्या है कि एगलिंग जो है वो होगी, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, यहाँ से एगलिंग के लिए प्रिपेयर होती है, और यहाँ पे ये जो येलो स्पॉट है ये इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एगलिंग होने वाली है। उसके बाद एग्स दिए जाते हैं, फिर जब ये येलो कलर के होने लग जाए, ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंजिश कलर के, तो जैसे जैसे इनका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश होने लगता है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इनकी हैचिंग होने वाली है अभी, ठीक है, कि इनकी हैचिंग होने वाली है। उसके बाद देखिए, लार्वा निकलेंगे इनसे, इस प्रकार के लार्वा निकलते हैं, इनको क्रेवल्स भी बोलते हैं, स्टार्टिंग जो लार्वा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेवल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे जो है लटक के ऊपर की ओर चढ़ते हैं। फिर देखिए ये क्या करेंगे, निकल के नज़दीक की कोई भी जो कोमल टहनी होगी उसके ऊपर सेट होंगे, यहाँ पे सेट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, निम्फ बनेंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों अलग अलग स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ तो क्या है, मेल्स निकलेंगे। अब ये मेल क्या है, ये देखिए ये विंगलेस है और ये विंग्ड है, यानी कि दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मेल जो है हो सकता है उनके पंख पाए जाएं या हो सकता है उनके पंख नहीं भी पाए जाएं, ठीक है। फिर अब ये फीमेल्स जो होती है, देखिए फीमेल सेल निकलेगी और ये एडल्ट फीमेल बन जाएगी, और इसके बाद जब ये रिप्रोडक्शन के लायक होती है तब क्या होता है इनके अंदर, अब देखिए ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जिससे क्या होता है बाद में आगे वापस जो है ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है ये चलता रहता है, तो इसको देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है,
एगलिंग होगी, ये येलो स्पॉट बनते हैं जिससे क्या होता है इसकी पहचान होती है। उसके बाद हैचिंग होगी, हैचिंग के बाद लार्वा निकलेंगे, वो आप इसे फीड करना स्टार्ट करेंगे, ये अलग अलग सेल्स बनेगी। उसके बाद क्या है, फीमेल अलग हो जाएगी, मेल अलग हो जाएगी और इनको आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है, इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई इसको। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।